चिट्ठी न कोई संदेश। ये जो दर्द भरा गीत है इसको गाने वाले सिंगर का नाम जगजीत सिंह है। जगजीत ने सच में जग को जीता है, लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि जगजीत सिंह का एक बेटा था जिसकी मौत साल 1990 में एक कार हादसे में हो गई थी। उस समय जगजीत के बेटे की उम्र महज 18 साल की थी। इकलौते बेटे की मौत ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। उन्होंने इसके बाद गायकी से दूरी भी बना ली थी। दरअसल जगजीत सिंह का आज जन्मदिन है, तो चलिए आज थोड़ा जग को जीतने वाले जगजीत को जानते हैं। अपनी मखमली आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों को जीतने वाले गजल सम्राट जगजीत सिंह का जन्मदिन 8 फरवरी 1941 को हुआ था। जगजीत सिंह ने यूं तो अपने करियर में कई गजलों को अपनी आवाज से और भी खूबसूरत बना दिया था, लेकिन उन्होंने फिल्मी गानों से भी खूब नाम कमाया था। उनका परिवार मूल रूप से पंजाब के रोपड़ जिले से था। जगजीत की शुरुआती पढ़ाई गंगानगर से हुई और बाद में आगे की पढ़ाई करने के लिए वो जालंधर चले गए। जगजीत सिंह के पिता सरदार अमर सिंह धमानी सरकारी नौकरी करते थे और संगीत में रुचि रखते थे। जगजीत सिंह को संगीत उनके पिता से ही विरासत में मिला था। जगजीत साल 1965 में अपने सपनों के साथ मुंबई पहुंचे थे। इसके बाद 1967 में उनकी मुलाकात गजल गायिका चित्रा से हुई थी। इसके 2 साल बाद 1969 में दोनों ने शादी कर ली थी। जगजीत सिंह और चित्रा एक साथ कई गजल समारोह में हिस्सा लेते थे और गजलें गाते थे। दोनों संगीत समारोह में अपनी जुगलबंदी से समा बांध देते थे, लेकिन कार हादसे में इकलौते बेटे की मौत ने माँ बाप को पूरी तरह से तोड़ दिया था और उन्होंने इसके बाद गायकी से दूरी भी बना ली थी। जगजीत सिंह के करीबियों का मानना था कि उनकी गजलों में महसूस होने वाली तड़प और दुख साफ दिखने लगा था। आपको बता दें कि उनकी पहली एल्बम दी अनफॉरगेटेबल्स साल 1976 में आई थी, जो काफ़ी हिट साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने जब फिल्मों के लिए गजल गानी शुरू की तो देखते ही देखते वो हर किसी की पहली पसंद बन गए। झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, होश वालों को क्या खबर, होठों से छू लूं तुमको, ये दौलत भी ले लो, चिट्ठी न कोई संदेश, जगजीत सिंह की खास गजलों में से एक है। जगजीत सिंह ने 150 से ज़्यादा एल्बम को अपनी गजलों से खूबसूरत बनाया था।